नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस रेलवे यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूँ आपके चैनल पर। दोस्तों आज के हम इस वीडियो में दोस्तों साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों, जो आपके आगामी दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी एमटीएस या बैंक अदर स्टेट लेवल या दोस्तों जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम में पूछे जाने प्रश्न जो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों मैं उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगा। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों भी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं दोस्तों आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, साइंस का है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मस्तिष्क के किस भाग में दोस्तों, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। दोस्तों मस्तिष्क का वह कौन सा भाग होता है जिसे दोस्तों शरीर के ताप को नियंत्रण करने का केंद्र होता है। अग्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या हाइपोथैलेमस। दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा कमेंट में। दोस्तों इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस, जो होता है दोस्तों शरीर के ताप को नियंत्रण करता है। दोस्तों हाइपोथैलेमस के द्वारा दोस्तों आपका जो होता है भूख जो रहती है, भूख दोस्तों प्यास, भूख प्यास दोस्तों पसीना, पसीना निकलना दोस्तों, खुशी, घृणा, प्रेम दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हैं दोस्तों आपको ये है हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। चलिए दोस्तों आज के हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड दोस्तों ये भी आपका बायो से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों आपका लैगरहैंस। दोस्तों क्या लैगरहैंस के उद्दीप पाए जाते हैं? दोस्तों जो आपका लैगरहैंस होता है शरीर में, इसके उद्दीप कहाँ पाए जाते हैं? यकृत में पाए जाते हैं, अग्नाशय में पाए जाते हैं, प्लीहा में पाए जाते हैं या पिट्यूटरी में पाए जाते हैं? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, और दोस्तों आपको उसके एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ दोस्तों। इसका आंसर होगा दोस्तों, आपको क्या होगा आप लोग आंसर बताइए, इसका दोस्तों होगा अग्नाशय में दोस्तों। लैगरहैंस जो कि दोस्तों आपके उद्दीप पाए जाते हैं अग्नाशय में। और दोस्तों जो आपका पिट्यूटरी ग्रंथ है इसको मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको कौन सा ग्रंथ कहते हैं दोस्तों? इसको मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों, मास्टर ग्रंथ भी कहते हैं दोस्तों। और आपका जो दोस्तों जो ये सबसे छोटी ग्रंथ होती है, सबसे छोटी ग्रंथ होती है, क्या होती है दोस्तों? ये आपका सबसे छोटी ग्रंथ होती है वो मानव मस्तिष्क में या पाई जाती है दोस्तों। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? ये मस्तिष्क के भाग में पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड दोस्तों आप लोगों के सामने है, आप लोग इसका भी आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों। दोस्तों उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को करा रहे हैं दोस्तों जो आके आपके आगामी आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वृद्ध हार्मोन स्रावित होता है। दोस्तों आप लोगों को बताना, जो वृद्ध हार्मोन्स होता है वो स्रावित होता है किससे? थायराइड से होता है, जननांगों से होता है, एड्रिनल से होता है या पिट्यूटरी से होता है? आप लोगों को बताना इसका क्या होगा दोस्तों। जो होगा आपका ये ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, पिट्यूटरी से दोस्तों आपका वृद्ध हार्मोन स्रावित होता है दोस्तों। एक होता है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या इसको दोस्तों एसटीएच बोलते हैं, शॉर्टकट में एसटीएच बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों आपका इसको समय दोस्तों, इसको याद सेमेट्रोपिक बोलते हैं, सेमेट्रोपिक बोलते हैं, सेमेट्रोपिक हार्मोन्स, ठीक है दोस्तों, या एसटीएच बोलते हैं, हार्मोन्स बोल सकते हैं, हार्मोन, ठीक है दोस्तों, इसको एसटीएच को बोलते हैं, या इसको बोलते हैं दोस्तों आपका ग्रोथ हार्मोन। यह हार्मोन इसकी वृद्ध दोस्तों क्या रहता है, इसका वृद्ध को नियंत्रित करता है और इसकी अधिकता वो भी दोस्तों इसकी अधिकता से एवं कमी से, ये जो होता है एसटीएच हार्मोन दोस्तों शरीर में वृद्ध को नियंत्रित करता है। इसकी अगर अधिकता एवं कमी से, इसकी दोस्तों अधिकता, इसकी अधिकता अगर हो गई और दोस्तों कमी हो गई, अगर इसकी अधिकता हो गई और इसकी कमी हो गई दोस्तों आपको बौनापन हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? बौनापन, जिस आदमी का शरीर नहीं बढ़ता, छोटा कद हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ये एसटीएच हार्मोन्स होता है, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं इसको। चलते हैं दोस्तों आज के हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रंथ दोस्तों, निम्न में से कौन सी ग्रंथ आपकी दोस्तों, आपकी ग्रंथ अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों है दोस्तों। आप लोगों को इसमें बताना है इसमें से कौन सी ग्रंथ है दोस्तों जो आपके अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी है दोस्तों अग्नाशय, ऑप्शन सी है थायमस, ऑप्शन डी है दोस्तों थायराइड। दोस्तों आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अग्नाशय दोस्तों आपको अंतःग्रंथ तथा बाह्यग्रंथ दोनों से होती है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अंतःग्रंथ वह होती है दोस्तों वैसी ग्रंथ जो नलिका युक्त होती है, क्या होती है दोस्तों? जो वैसी ग्रंथ जो नलिका युक्त ग्रंथ होती है, कौन सा होता है दोस्तों आपका? ये नलिका युक्त ग्रंथ, कौन सा? नलिका युक्त ग्रंथ, ठीक है दोस्तों। उनको कौन सी ग्रंथ बोलते हैं? उनको दोस्तों बाह्य स्रावी ग्रंथ बोलते हैं।
आपका दोस्तों उनको बायसराबी ग्रंथ बोलते हैं, बायसराबी ग्रंथ बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, बायसराबी ग्रंथ बोलते हैं। और दोस्तों जो आपका होता है दोस्तों, अगर आपका वैसी ग्रंथ जो नलिका विहीन होती है, कौन सा होता है दोस्तों, आपका नलिका विहीन होती है दोस्तों, उनको हम दोस्तों उनको अंतःस्रावी ग्रंथ बोलते हैं। कौन सी ग्रंथ बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथ बोलते हैं दोस्तों। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों इसमें पूछा था निम्न से कौन सी ग्रंथ अंतः तथा वायुस्रावी दोनों है, दोस्तों आपका अग्नाशय होता है, अंतःस्रावी और वायुस्रावी दोनों होता है। जो नलिका युक्त होते हैं उन्हें वायुस्रावी ग्रंथ बोलते हैं, और जो नलिका विहीन होते हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथ बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, जो कि आपके दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, रक्त में हारमोन्स, दोस्तों रक्त में हारमोन निम्न में से किस तरह उपस्थित होते हैं। दोस्तों जो आपका ब्लड होता है उसमें हारमोन्स किस तरह से उपस्थित रहते हैं, डिनर के रूप में रहते हैं, मोनोमर के रूप में रहते हैं, या पॉलीमर के रूप में रहते हैं, या दोस्तों सभी के रूप में रहते हैं। दोस्तों आप लोग बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जानकारी के लिए भी है आपके कि आपके रक्त में कौन से हार्मोन उपस्थित रहते हैं। दोस्तों आपके रक्त में हार्मोन्स दोस्तों ये आपके सभी फार्म में उपस्थित रहते हैं, डिनर के भी, मोनोमर के भी, पॉलीमर के भी, सभी के फार्म में उपस्थित रहते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों आज के सेशन अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, दोस्तों बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा दोस्तों। बताइएगा आज की वीडियो कैसे लगी दोस्तों। हमारे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आपको जय हिंद, जय भारत।